नैनीताल या मनाली है या केदारनाथ की यात्रा, सामने आप देख पा रहे हैं लोग बाग कितनी मस्ती कर रहे हैं और ये फ्रेश स्नोफॉल। हर हर महादेव दोस्तों, अगर आप भी 2023 में केदारनाथ धाम यात्रा हेलीकॉप्टर के थ्रू बुक करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपने राइट प्लेस पर क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो सभी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो आपको हेली सर्विस बुक करने से पहले और उसकी सर्विस को अवेल करने से पहले ज़रूर जाननी चाहिए। अभी मैं यहाँ पर केदारनाथ धाम हेलीपैड में खड़ा हुआ हूँ और हेलीपैड से केदारनाथ धाम मंदिर की दूरी अप्रॉक्स 1 किलोमीटर की है। तो अभी काफ़ी सारे जो जानकारी है आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और केदारनाथ धाम का जो हेलीकॉप्टर बुकिंग की सारी डिटेल्स और जानकारी आप इसको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। अभी जो एरिया आप देख पा रहे हैं, बेस कैंप से कुछ ही दूरी पर आप चलेंगे तो आपको यहाँ पर सभी यात्रियों से अनुरोध है कि आपका पंजीकरण सत्यापन अवश्य कराएं। तो यहाँ पर पंजीकरण रजिस्ट्रेशन काउंटर आपका चेक हो रहा है, चेक होने के बाद में फिर आपको एक स्लॉट प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उस स्लॉट के हिसाब से फिर आप पर्टिकुलर टाइम पर मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। तो यहाँ से आप आगे जाएंगे तो वहाँ से 1 किलोमीटर तक की लाइन लगी हुई है और ये स्लॉट सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पर, जो लोग बाग अपना रजिस्ट्रेशन चेक करा रहे हैं। तो इस तरह की जो फैसिलिटीज़ है अभी इस वर्ष 2023 में इम्प्लीमेंट की गई है, तो इस तरह की फैसिलिटीज आप भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाली है। और अभी मैं दिखाऊँ तो ये इनकी मशीन्स वगैरह लगी हुई हैं और इस तरह से ये जो रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक कर रहे हैं यहाँ पर, चेक होने के बाद में फिर आगे अपनी जो यात्रा है उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। इस बार केदारनाथ यात्रा भाई हेलीकॉप्टर करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 8 हेली सर्विस कंपनीज 9 हेलीपैड से इस सर्विस को ऑपरेट कर रही हैं। केदारनाथ यात्रा हेली सर्विस बुक करने के लिए इस साल काफ़ी चेंजेस आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, तो उन चेंजेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप्स हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बुकिंग की वेबसाइट आपको IRCTC के थ्रू ही बुक हो पाएगी और वो वेबसाइट है heliyatra.irctc.co.in। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा जिसको फॉलो कर आप अपनी हेली यात्रा की टिकट्स को बुक कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि हेली सर्विस को आप वन साइड बुक कर पाएंगे या नहीं, तो डेफिनेटली आप हेली सर्विस को वन साइड बुक कर पाएंगे। और सामने आप देख पा रहे हैं ये फेयर भी लिखा हुआ है जिसमें आपको सामने क्लियर शो कर रहा है कि वन साइड आप बुक कर सकते हैं और फेयर आप सामने देख पा रहे हैं, जो कि इस बार यानी 2023 में गुप्तकाशी से केदारनाथ धाम तक का वन साइड का 3,870 रुपये आपको पे करना पड़ेगा और दोनों साइड आप रिटर्न करेंगे तो 7,740 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। इसी तरह से फाटा से केदारनाथ धाम के लिए 2,750 रुपये और 5,500 रुपये, सिरसी से केदारनाथ धाम तक के लिए आप बुक करेंगे तो 2,749 रुपये और 5,498 रुपये। तो इस तरह के जो प्राइस आपको 2023 में केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर के थ्रू बुकिंग के लिए देखने के लिए मिलने वाले हैं। साथ में कम्प्लीटली मेंशन किया हुआ है कि विदाउट रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन टिकट बुक हो ही नहीं पाएगी आपकी हेलीकॉप्टर राइड की, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करें देन फिर आप हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये मैंडेटरी है चाहे आप हेलीकॉप्टर सर्विस के थ्रू जाएं या आप पैदल यात्रा करके जाएं। तो आप सामने देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से हेलीकॉप्टर लैंड होता है, रेड कलर में हेलीकॉप्टर आ रहा है और नीचे की साइड में लाइटें जल रही है, तो दो हेलीपैड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, एक साइड में और एक उस साइड में, और बिल्कुल पास से ही लैंड हो रहा है तो हवा का प्रेशर काफी तेज आने वाला है और अभी लैंड हो रही है हेलीकॉप्टर की। काफ़ी लोगों के ये डाउट होते हैं कि भाई केदारनाथ हेलीपैड से केदारनाथ मंदिर की कितनी डिस्टेंस पड़ने वाली है, तो एक अप्रोक्स 1 किलोमीटर की दूरी आप तय करेंगे और फिर आप केदारनाथ धाम मंदिर तक आसानी से पहुंच पाएंगे। काफ़ी आसान है पहुंचना और बिल्कुल फ्लैट जो ट्रैकिंग का रास्ता है आपको देखने के लिए मिलने वाला है, काफ़ी जो चढ़ाई है बिल्कुल भी नहीं देखने के लिए मिलने वाली है। तो इस तरह का जो इन्वायरमेंट आप इस 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग के दौरान देख सकते हैं। बीच रास्ते में काफ़ी सारे प्राइवेट टेंट्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे लेफ्ट और राइट दोनों साइड में, तो अब जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं इस तरह के काफ़ी सारे टेंट्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जिनमें आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं और ऑफलाइन बुकिंग भी लेते हैं तो आराम से अपनी नाइट को यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। अभी आप सामने देख लो सुबह के 7 बज चुके हैं और लाइन का देख लो आप कितने, मेरे ख्याल से 2 से 3 घंटे में आपका जो नंबर है वो आने वाला है। इस तरह की जो लाइन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती रहती है, तो अप्रोक्स मान के चलिए 2 से 3 घंटे में श्री केदारनाथ धाम के आप दर्शन कर पाएंगे।
अगर आप इस बार यानी 2023 में केदारनाथ धाम यात्रा भाई हेलीकॉप्टर की प्लानिंग कर रहे हैं तो नियरेस्ट हेलीपैड की मैं बात करूं, अगर आप हरिद्वार से ये प्लानिंग कर रहे हैं तो नियरेस्ट हेलीपैड आपको गुप्तकाशी का पड़ने वाला है, जिसकी डिस्टेंस हरिद्वार से 205 किलोमीटर की पड़ने वाली है। और गुप्तकाशी काफ़ी बड़ा शहर है जहाँ पर अपनी गाड़ी को आप आराम से पार्क कर सकते हैं, देन फिर केदारनाथ धाम की यात्रा को उसको कर पाएंगे। फिर उसके बाद आपको जो नियरेस्ट हेलीपैड पड़ेगा फाटा पड़ेगा, फिर सेरसी पड़ेगा। तो हरिद्वार से अगर मैं कंपैरिजन करूं तीन हेलीपैड होगी तो सबसे नियरेस्ट हेलीपैड आपको गुप्तकाशी का पड़ने वाला है। हेलीकॉप्टर राइड करते समय अगर आपका वेट काउंटिंग में 80 केजी से ज़्यादा पाया जाता है तो आपको 150 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, जो कि लास्ट ईयर भी यही सेम रूल था। तो वेट कराने के बाद में फिर आप अगर आपका एक्स्ट्रा वेट है तो आप एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे, फिर आप जो हेलीकॉप्टर राइड करने के बाद में फिर केदारनाथ धाम तक पहुंच पाएंगे। 2023 में केदारनाथ यात्रा भाई हेलीकॉप्टर करना चाहते हैं तो सामने आपको फ्लाई केदार हेलीपैड देखने के लिए मिल जाएगा, और ये आर्यन एविएशन के थ्रू फ्लाइट ऑपरेट होती है। तो ये गुप्तकाशी की रोड आपको दिखाई दे रही है, यहाँ तक पहुँचना बहुत आसान है आपको, और टिकट्स वगैरह यहाँ से आधा किलोमीटर जस्ट पहले ही आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। वहाँ से टिकट्स लेने के बाद में ये हेलीपैड है, यहाँ तक आप आसानी से पहुँच पाएंगे। और मैं टिकट्स की बात करूँ तो इस बार टिकट्स के प्राइस काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं, और 80 केजी से ज़्यादा अगर आपका वेट है तो 150 रुपीज़ यानी 150 रुपये एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा यहाँ पर फ्लाई करने के लिए। केदारनाथ धाम मंदिर में पहुंचने के बाद 3 से 4 घंटे की आपको वेटिंग करनी पड़ेगी, देन आप मंदिर में दर्शन कर पाएंगे। और मंदिर में दर्शन करने के साथ में आप पीछे की एरिया देख पा रहे हैं, शंकराचार्य जी की समाधि है, इसमें भी दर्शन कर सकते हैं। और एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़बरदस्त होता है अभी के समय पर, काफ़ी बीच रास्ते में आपको स्नोफॉल भी देखने के लिए मिल रही है। फिर आप भैरव मंदिर पर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो घूमने के लिए आपके लिए काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, मेरा मानना है कि एक नाइट तो आप केदारनाथ धाम में स्टे करें और फिर आप रिटर्न का जो अपना टिकट है उसको करा पाएं। तो सामने आप देख पा रहे हैं विशेष पूजा कार्यालय श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति। तो यहाँ पर सुबह रात के 12 बजे से सुबह के 4 बजे तक विशेष पूजा की जाती है, जिसका कि 5000 रुपीज़ 5 पर्सन्स हो या 1 पर्सन्स हो उनका चार्ज दिया जाता है। तो 5000 रुपये देकर आप 5 पर्सन्स का विशेष 10 से 15 मिनट की विशेष पूजा करा सकते हैं रात के 12 से सुबह 4 बजे तक। तो ये एक स्पेशल चीज़ आपको थी जो मेरे को बतानी थी, यहाँ से आप ये कार्यालय है और यहाँ से फिर मंदिर में जाकर पूजा इस तरह की करा सकते हैं। अभी केदारनाथ धाम में जो बर्फ़ पड़ी हुई है, स्नो पड़ी हुई है, वो हो रही है ब्लैक, और ब्लैक होने की वजह से ना पैर इस तरह से स्लिप हो रहा है पूरी तरह से, और पैर स्लिप होने की वजह से ये काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बट फिर भी ओवरऑल जो है ना काफ़ी मज़ा और इन्जॉय कर रहे हैं लोग यहाँ पर आकर। तो दोस्तों केदारनाथ धाम में हर समय पर मौसम चेंज होता रहता है, 2 घंटे पहले बारिश, फिर स्नोफॉल और फिर धूप, तो इस तरह का अल्टीमेट वातावरण आप इस केदार वैली में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। शॉप्स की मैं बात करूं, प्रसाद की मैं बात करूं, तो सामने आप प्रसाद की अलग ढेर सारी आप शॉप्स की दुकान देख पाएंगे, तो वहां से प्रसाद वगैरह खरीद सकते हैं। और कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको इस स्नोफॉल में देखने के लिए मिलने वाली हैं, या आप ब्लैक आइस देख पा रहे हैं ना, तो इसमें क्या है पैर पूरी तरह से इस तरह से फिसलता है, तो ये एक दिक्कत का कारण सबसे ज़्यादा आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल। अभी जो एरिया आप देख पा रहे हैं ये केदारनाथ धाम का हेलीपैड है, और ये हेलीपैड केदारनाथ धाम मंदिर से अप्रॉक्स 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो लगभग यहाँ से हेलीपैड से उतरने के बाद में यहाँ पर अपना जो चेकआउट वगैरह करा रहे हैं, और इसके बाद में ये जो मंदिर को जाने के लिए रास्ता है अप्रॉक्स 1 किलोमीटर की दूरी आप तय करेंगे तो सीधा आप इस रास्ते के थ्रू मंदिर तक पहुँच जाएंगे। अभी भी आप सामने देख पा रहे हैं कंटिन्यूस स्नोफॉल हो रहा है और काफ़ी लोग इन्जॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा घूमेंगे तो मंदिर परिसर का बैक साइड आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और बैक साइड के पास में ही पीछे की साइड में आपको भीमशिला देखने के लिए मिल जाएगी। तो भीमशिला को भी आज ओपनिंग डे है, काफ़ी कलरफुल तरीके से डेकोरेट किया करके सजाया हुआ है। यह वही भीमशिला है जिसको 2013 की आपदा में मंदिर परिसर को बचाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया था। तो काफ़ी लोग मंदिर परिसर में दर्शन करने के साथ बाद में भीमशिला की भी पूजा करते हैं, तो यहाँ पर भी आकर आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। और चारों साइड में सुनो ही सुनो आपको देखने के लिए मिल रही है। इस साइड में काफ़ी सारे लोगों ने टेंट लगाए हुए हैं अपने, तो आप भी मंदिर परिसर के पास में आकर, अगर आप टेंट के शौकीन हैं तो इस तरह के टेंट्स आप मंदिर परिसर के पास में आकर लगा सकते हैं। काफ़ी सारे प्राइवेट टेंट लोगों ने लगाए हुए हैं अपने पर्सनल, तो यहाँ पर आकर आप टेंट्स वगैरह लगा सकते हैं और इस तरह के वातावरण को इन्जॉय कर सकते हैं। सामने भाई साहब ये शिमला और मनाली बन चुका है अभी यहाँ पर, और स्नो में काफ़ी सारे लोग इन्जॉय कर रहे हैं मस्ती से।
तो आप देख पा रहे हैं काफ़ी सारी मस्ती हो रही है स्नो में यहाँ पर, और लाइव स्नोफॉल आप सामने ही देख पा रहे हैं। तो इस तरह का स्नोफॉल रेयरली देखने के लिए मिलता है। अभी चलते हैं शंकराचार्य जी की समाधि पर। ये भीमशिला आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा आप घूमेंगे इस साइड में को तो ये जो एरिया आप देख जा रहे हैं ये शंकराचार्य की समाधि को जा रहा है। तो शंकराचार्य की समाधि पर चलते हैं और स्नोफॉल में ही आपको शंकराचार्य की समाधि के दर्शन कराते हैं।